हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बस मॉर्निंग का समय है, यानी सुबह के बज रहे हैं एकदम 5। और इस समय हम दो कढ़ाइयाँ पहले से आलू प्याज का एक सूखा सब्जी बनाया था बेटे के लिए और छोटी वाली बेटी के लिए, क्योंकि वो हरी सब्जियाँ ले जाना पसंद नहीं करते हैं। लंच में हस्बैंड के लिए हमने जो है तुरई की सब्जी छोंक दी थी, और बड़ी वाली बेटी के लिए क्योंकि वो हरी सब्जी ले जाती है। तो बस एक सुबह सुबह ही कई तरह का बनाना पड़ता है, इसलिए दोनों कढ़ाई दोनों तरफ रख दिया था। दोनों सब्जियाँ हो गई थी, फिर जाके हमने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दी थी और बेटी और बेटी के लिए पराठे बना दिए थे। तो बस सबका लंच बस मैंने रख दिया था, और चार सुबह सुबह ही 7 बजे तक, यानी 4 लंच रखना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है सुबह उठ के ही 4 बजे से, क्योंकि लंच रखने में फिर उनको नाश्ता देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बस ये बेटी का लंच रख दिया था, तो मैंने रोटी और सब पराठे और सब्जी के साथ उसके लिए थोड़ा सा अनार भी रख दिया था, क्योंकि वो लेट सी आती है। और फिर सब लोग चले गए थे, तो फिर उसके बाद हम सुबह में एक बार बस झाड़ू मारते हैं, यानी ऊपर ऊपर मारते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है। तो बस पूरी क्लीनिंग से अच्छे से झाड़ू नहीं लगाते, फिर दोबारा से हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो फिर झाड़ू लगा लिए, साथ में कर लिए थे पोछा, और इधर जो है हमने कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए। आज जो है मौसम थोड़ा ख़राब था, लाइट भी ख़राब चल रही है, इसलिए सुबह में ही कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि शाम में लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं था। तो कपड़े धुल रहे थे, फिर साथ में हमने गैस साथ जो भी था वो पोंछ लिए थे, बर्तन थे। तो काफ़ी ज़्यादा सुबह के ही नाश्ते के और जो बनाना सब्जी या कढ़ाई रहती है सुबह ही निकाल के धुल देते हैं, क्योंकि लंच के लिए फिर दाल बैठाना रहता है, फिर जो भी करना रहता है बाद में कर लेते हैं। साथ ही साथ क्लीनिंग कर लो तो अच्छा रहता है, लंच बनाने आओ तो किचन साफ मिलता है तो अच्छा लगता है। तो अच्छे से सारी क्लीनिंग कर लिए थे, क्योंकि टिफिन सुबह सुबह टिफिन बनाओ तो पूरा फैल जाता है, एकदम टाइम नहीं मिलता। तो बस बर्तन आर धुल लेने के बाद फिर बेसिन की भी सफाई कर लेते, तो मेरा बेसिन हमेशा चमकते रहता है, क्योंकि मैं जब जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ उतनी बार उसकी सफाई कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जितने भी बर्तन खाली होते जाते हैं उसको धुलते जाते हैं। तो बस ये हो गया है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक एकदम लगातार काम करो, तब काम जो है ख़त्म नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो भी बाकी के काम रहते हैं, कपड़े या दूध छत पे डालने के लिए, वो सब भी कर लेते हैं। तो सुबह सुबह हम माओं को काफ़ी ज़्यादा काम और काफ़ी ज़्यादा एकदम लगता है कि पैरों में एकदम लगे हुए हैं, जब तक सब लोग चले नहीं जाते। तो फिर बस एक कप चाय पिए हुए थे, और जब नहा धो लेते हैं उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो साथ ही जब सबका टिफिन बनाते हैं तो अपने लिए 2 रोटी बना के रख लेते हैं। तो बस इधर हो गया था, कपड़े भी जो है धुल गए थे, तो फिर हमने जो है अब चादरें भी बदल दी थी, साथ में उसको धुल लिया था, चादरों को डाल दिया था, बेटी के कमरों का भी चादर धुल दिए थे, साथ में अपने कमरे का भी चादर निकाल दिए थे। और 2 दिन में ही चादरें एकदम गंदी हो जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रहा है इस समय, और बारिश एक भी दिन अच्छे से नहीं हुई कि बारिश हो जाती है तो जो भी गर्दा आदि होता है बैठ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कमरा दूसरे तीसरे दिन एकदम गंदा हो जा रहा है, चादरें गंदी हो जाती हैं, और गर्मी में वैसे भी कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं ठंड के अपेक्षा। तो बस ये हो गया था, चादर आधा हमने लगा दिया था। लगा लेने के बाद फिर मेरा ये भी क्लीनिंग का जो भी था, दोनों रूम का क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर लिया था। अब बस मुझे नाश्ता करना था, और साथ में जो बाकी का काम अभी था, यानी लंच तैयार करना, तो उसको भी साथ ही साथ हम नाश्ता कर लेने के बाद कर लेते हैं। तो बस ये है, अगर आप अपना काम एकदम टाइम से और सुबह सुबह एक लगातार करते रहें तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए, तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस ये हम साथ ही साथ जो है पीलो कवर भी लगा दिए थे, तो सारा काम हो गया था, हो गया सारा काम। अभी 10:30 हो रहे हैं, और सुबह से बस 5 बजे से लगे हुए हैं एक लगातार, अभी तक बैठे नहीं हैं, बस बीच में एक बार आधा कप चाय पिए थे। जब अकेले रहो तो चाय पीने का भी मन नहीं मन करता है, देखिए कितने ज़्यादा अभी तुरंत नहा के आ रहे हैं, फिर भी पसीना हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस समय लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कट रही है, बहुत रात भर सोए नहीं हम लोग, क्योंकि 2 बजे लाइट आया है, 2 बजे के बाद ही सोए हैं। बच्चे भी ठीक से नहीं सो पाए थे, लेकिन सुबह से उठ के सबको जाना था स्कूल कोचिंग, तो बस सब लोग चले गए हैं। तो बस अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है दोपहर में सिर्फ बेटा और मैं रहेंगे, क्योंकि आज बेटियां नहीं आएंगी, लेट से आएंगी। तो देखिए दोपहर में लंच में क्या बनाते हैं, चावल दाल की तहरी कुछ भी बना लेंगे बस दो लोगों के लिए, अकेले में कुछ मन नहीं करता है खाने का। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो बस अभी जो है नाश्ता कर लिए थे, और सारा नाश्ता जब करते हैं तो थोड़ा सा टीवी खोल लेते हैं, तो थोड़ा बहुत देखते रहो अकेले में रहो तो अच्छा भी लगता है। और साथ ही साथ कुछ जो है नाश्ता बस मेरा हो गया था, तो नाश्ता बस वही मैंने तुरई की सब्जी रोटी और साथ में आलू की जो सूखी सब्जी बच्चों के लिए बनाई, जो भी टिफिन के लिए बनाते हैं वही अपने लिए नाश्ता रख लेते हैं, और उसी समय 2 रोटी बना लेते हैं, जबकि रोटी एकदम ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से कौन बनाने जाए।
तो बस अभी सोचे थे कि क्या बनाए लंच में, तो बेटे को मेरे पनीर ज़्यादा पसंद है और बेटी को जो है सोयाबीन ज़्यादा पसंद है, तो दोनों को मिक्स करके आज मैंने सब्जी बनाने का सोचा था एकदम नए तरह का। तो सबसे पहले हमने सोयाबीन को जो है गुनगुने पानी में भिगो दिया था, साथ में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल दिया था क्योंकि इससे कलर भी अच्छा आता है और नमक जो है सोयाबीन में। फिर हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें से पनीर जो है तल के निकाल लिया था, साथ में दो है प्याज जो है एकदम लाल क्रिस्पी तल के निकाल लिया था, प्याज को ठंडा करके हमको पीसना था। तो बस पनीर को भी सोयाबीन के साथ ही मैंने भिगो दिया था। पनीर को एकदम जो है लाल लाल तलें तभी ज़्यादा फुल फ्लेम पर, तभी ज़्यादा ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर मैंने कुछ उसी तेल में कुछ खड़े मसाले यानी दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल दी थी, साथ में दो लौंग डाल दिया था और जो है मसाले जब खड़े मसाले जो है अच्छे से भुन गए थे तब उसमें हमने जो है दो टमाटर साथ में अदरक और लहसुन को जो है पीस लिया था, उसको डाल के अच्छे से भून लिया था। टमाटर के पेस्ट को भून जाने के बाद हमने जो है उसमें डाल दिया था दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल के मसालों को जो है अच्छे से भून लिया था। मसाला भून जाने के बाद हमने जो क्रिस्पी प्याज किया था उसको भी पानी डाल के हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसको डाल के भून लिया था और बस ये हो गई थी हमारी सब्जी तैयार। और आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगती है। और हमने जो है मसालों के साथ जो है सोयाबीन को जो है पानी निकाल के तब डाल दिया था ताकि मसालों में अच्छे से भुन जाए। तो आप लोग बस इसको ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।